हेलो सी एम इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों का ग्रुप टू का OMSM का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब उस पेपर को बिल्कुल साइड रख देना। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर। आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब किस तरीके से हमें उस सब्जेक्ट को 1.5 दिन के अंदर अंदर तैयार करना है, मीन्स आज का कुछ टाइम, कल का पूरा दिन और परसों एग्जाम भी, किस तरीके से हम इसको कवर करके चले हैं सो दैट हम इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लें, ठीक है। ध्यान से सुनते चले जाना, पेन पेपर लेकर बैठना, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो फॉलो करनी है। देखो, सबसे पहले आज आप लोगों को क्या करना है, आज आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठानी है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज मैं आपको तीन टॉपिक्स दे रहा हूँ। एक आता है आपका बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और एक आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये तीन टॉपिक्स आपको आज निपटाने हैं, ठीक है। मतलब आज आप अभी 8 बजे के आसपास पढ़ने बैठना और लगभग 12, 12:30 तक पढ़ना और ये तीन टॉपिक कवर करके चलना, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, अच्छे से कवर करके चलना विद फुल कॉन्सेप्ट एंड एक दो क्वेश्चन करके देखना, MCQs वगैरह पे भी थोड़ा बहुत आप फोकस कर लेना। ये होने के बाद अब कल का दिन आप लगभग 6, 6:30 उठेंगे और 6, 6:30 उठकर अगेन आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही पढ़ना है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको टॉपिक्स उठाने हैं, लिख के रख लो, शेयर्स डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड अंडरराइटिंग। ये जो आपके शेयर्स एंड डिबेंचर वाली जो लिस्ट है पूरी, जो आपका आई थिंक स्टडी मैट में Module 1 होगा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं टिल अंडरराइटिंग, वो आपको सुबह आप 6 बजे उठोगे और 12, 12:30 तक आपको ख़त्म कर देने। बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले लेना, 12, 12:30 तक इनको करके उठना। इससे क्या होगा, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग काफ़ी हद तक खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको 12, 12:30 उठोगे, 1-1.5 घंटे का गैप लेना, रेस्ट करना, देन आप अगेन 2 बजे पढ़ने बैठना और 2 से लेकर 6 बजे तक आपको 4 घंटे ऑडिट पढ़नी है। और वो 2 से 6 में ऑडिट में आप क्या पढ़ोगे, एक तो आप कंपनी ऑडिट, जो आपका कॉर्पोरेट ऑडिटिंग है, कंपनी ऑडिट है, कारो हो गया आपका, कॉस्ट ऑडिट हो गया, सेक्रेटेरियल ऑडिट हो गया, इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना टिल 6 PM, 6 बजे तक पढ़ना, फिर उठना, मस्त एक चाय पीना, थोड़ा रिलैक्स करना 1-1.5 घंटे का। उसके बाद रिलैक्स करने के बाद फिर आप लोग लगभग आप बैठ जाना 7:30, डिनर विनर करके 7:30, 8 बजे तक भी बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोगों को IND AS पढ़ने हैं। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग क्या करने हैं, IND AS पढ़ने हैं। या तो IND AS पढ़ लेना, नहीं तो 2 चैप्टर पढ़ लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ऑप्शन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या IND AS पढ़ लेना, दोनों में से कुछ भी पढ़ लेना, ठीक है। कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये उठा लो, इसको कवर कर लेना रात को। अब नेक्स्ट डे जो आपका टाइम है, आप सुबह 9 बजे अपना 6 बजे उठोगे और 6 से लेकर 9, 9:30 बजे तक 3 घंटे का जो आपका टाइम होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ IND AS पढ़ना, ठीक है। जितने IND AS पढ़ सकते हो उसको पढ़ लेना, क्योंकि IND AS पे हम बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं देनी है, क्योंकि बाकी सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करके रखना है, ठीक है। तो IND AS को आप 3, 3:30 घंटे में पढ़ना। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, मतलब आप 1-1.5 घंटे का गैप लोगे, नहाओगे धोओगे, तैयार व्यार होगे, उसके बाद 1-1.5 घंटे जो आपके ऑडिट का रिमेनिंग टॉपिक है ना, उसको क्विकली रीड कर लेना, अगर करना चाहो तो। नहीं करना चाहोगे तो 1-1.5 घंटा जो आपके पास है उसमें बिट क्वेश्चंस और MCQs हैं उनको कवर करके चलना, और पेरेंट्स के पैर छूकर और अपना एग्जाम देने चले जाना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, सब अच्छा होगा।